हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है संडे इवनिंग। इससे पहले हम लोग गए थे भीमा शंकर घूमने, मतलब कल। तो आज है संडे और मैं संडे इवनिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि मैंने पूरे वीक का व्लॉग शूट किया है। इसमें मूवी, कुकिंग, हॉल एंड DIY, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इवनिंग का और हम निकलेंगे मूवी देखने। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा एंड इसके साथ हमने माजा लिया है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ मूवी जाने के लिए और ये है मेरा आउटफिट मूवी के दिन का। और हम लोग जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल देखने। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और हमारे साथ हमारे दो फ्रेंड्स भी जाएंगे। तो पहले हम लोग उन लोग को पिक करेंगे, फिर जाएंगे मूवी देखने। तो ये दोनों फ्रेंड्स आ चुके हैं और हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। К-599 Севастополь. Операция और अब इसके बाद हम लोग अपना डिनर करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो रात के 9:30 बज चुके थे और यहाँ हमारा डिनर आ चुका है और डिनर फिनिश किए इसके बाद फिर हम लोग घर गए। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। Thank you.
तो यहाँ मैं एक DIY रेडी कर रही हूँ जिसका एक सेपरेट ब्लॉग आएगा। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं लाकर फिर रेडी करके एक नया ब्लॉग शूट करूँगी, उसमें मैं दिखाऊँगी। और ये फ्लावर मैं डीमार्ट से लेके आई थी। मैं मिल रही हूँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी चाय, और पाव को मैं बटर में टोस्ट करूँगी। और चाय में ये मसाला मैं डाल रही हूँ, छोटी इलायची, 2 लौंग और अदरक। पहले मैं बहुत सारे मसाले मिक्स करती थी, बट अभी कुछ दिन से मैं ये ट्राई कर रही हूँ तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब हमेशा मैं यही ऐड कर रही हूँ एक हफ्ते से। और पाव को मैं बटर में टोस्ट करूँगी, और पाव तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं इसे सूखा भी खा सकती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मतलब मेरा बचपन का ये फेवरेट है। तो बस आज यही है ब्रेकफास्ट में। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, और साथ ही मेरा नायका का पार्सल भी आ गया है, तो अब मैं इसे ओपन करूँगी और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। इसका मैं डिटेल वीडियो एक अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट में दिखाया है। कुछ चीज़ें तो मेरी पुरानी है, सेकेंड परचेज है, कुछ चीज़ें मेरी न्यू परचेज हैं, तो इन सब का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी और डिटेल में दिखाऊँगी। वीडियो में मैं दिखाऊँगी मैंने क्या क्या मंगाया है, और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अपना नायका का बॉक्स ओपन कर रही हूँ, और मैंने इस बार एक न्यू चीज़ नोटिस की बॉक्स पे। इससे पहले क्या होता था ना कि मैं कहीं से भी ओपन कर देती थी, बट अभी मुझे यहाँ दिखा कि ओपन फ्रॉम हियर लिखा हुआ है, तो हमें यहीं से ओपन करना चाहिए, ये ईजिली ओपन हो जाता है। इससे पहले मुझे जहाँ भी दिखता था, जहाँ से भी समझ में आता था, मैं ऐसे ही बस ओपन कर देती थी, बट इस बार मैंने ये देखा तो मैंने यही ट्राई किया, और आगे से मैं ऐसे ही करूँगी। और यहाँ पे इस नाइफ़ से ओपन नहीं हो रहा था, तो मुझे दूसरा नाइफ़ लेके आना पड़ा। तो ये है वो सारे प्रोडक्ट जो मैं नायका से मंगाई हूँ। मैं क्लोज़अप लुक दिखा रही हूँ सबका। मैंने रिन्नी के प्रोडक्ट फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हूँ, और प्लम का फेस सीरम भी फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ इस बार।
और बस यही सारी चीज़ें हैं। और शुगर का तो सेकंड परचेस है, लिप ग्लॉस का। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब इसका रिव्यू मैं शेयर करूंगी बाद में। जो जो नए प्रोडक्ट मैं फर्स्ट टाइम परचेस की हूँ उसको तो मैं आफ्टर यूज़ ही बताऊंगी कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस है और कितना अच्छा है। और तो और अब मैं अपना लंच करूँगी, तो लंच में है आलू चने की सब्ज़ी और ये मसूर की दाल जो बची हुई है रात की, और लेफ्ट ओवर राइस है और रोटी है और सैलड है, बस दैट्स इट। हेलो गाइस, तो अभी मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ इवनिंग में, 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो रहे हैं और अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो रहा है, तो बस अब मैं रेडी होंगे जिम के लिए। तो जिम जाने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मैं जिम जाऊंगी। क्या होता है कि ब्लैक कॉफ़ी पसंद तो नहीं है मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वर्कआउट करने के लिए ना हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ब्लैक कॉफ़ी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें हार्ड वर्कआउट करने के लिए, तो ये ज़्यादा सही रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ। कभी कभी तो ऐसे चली जाती हूँ, बट जब ज़्यादा लोड आता है तो मुझे लगता है चक्कर आ रहा है, अब ज़्यादा नहीं होगा तो ये सिचुएशन आ जाती है, तो इसलिए अब मैं ट्राई करती हूँ हर एक दिन वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर ले लूँ। तो बस ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद जाऊँगी जिम। और वीडियो शूट करने का श्योर नहीं हूँ कि मैं जिम में वीडियो शूट कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ क्राउड होता है इस टाइम, और अभी मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट, जब मतलब 3-4 दिन 5 दिन आई थिंक हुए, इतने दिन हुए मुझे जिम जाते जाते, तो इट्स वेरी न्यू फॉर मी टू रिकॉर्ड ऑल द वीडियोस देयर इन द जिम। सो देखते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतना मैं करूँगी। तो चलिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी आप देख रहे हैं, ये कॉफ़ी मैं अपने केरला ट्रिप से लेके आई थी। वहाँ से मैं दो टाइप की कॉफ़ी लेके आई थी, एक तो ये थी खड़ी खड़ी सी और एक थी एकदम ब्लेंड थी, एकदम ही महीन थी। और दो तीन टाइप की मैं चाय पत्ती लेके आई थी, जिसमें दूध वाली चाय पत्ती और वो जो ब्लैक टी बनाते हैं वो वाला था, और ग्रीन टी लेके आई थी। तो बस ब्लैक कॉफ़ी के लिए सिंपली हम 1/2 टेबल स्पून लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी और पानी डालते हैं, मिक्स कर देते हैं, बस हमारा ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, ब्लैक कॉफ़ी, और बस मैं अभी तो ब्लैक कॉफ़ी मेरी रेडी हो चुकी है, बस मैं ब्लैक कॉफ़ी फिनिश करूँगी और मैं रेडी होंगी और जिम जाऊँगी। तो आप सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी जाऊँ, जल्दी क्या, 6 तो बजे गए, वैसे मैं 7 बजे जाती हूँ, बट आज 6 बजे जाऊँगी तो मैं 8, 7:30 या 8 तक आ जाऊँगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर जिम में, बाय। और ये है मेरा जिम का क्लोथ। तो ये है मेरा ब्लैक कॉफ़ी और मैं दिखाती हूँ अपने चेहरे का एक्सप्रेशन इसको पीने के बाद। मतलब ठीक है, थोड़ा सा कड़वा है बट चलेगा। तो आई एम ऑल सेट जिम जाने के लिए, मैंने पानी की बोतल भर ली है और शूज़ तो वहीं पहनूंगी जिम में, और ये मैं अपना एयरपॉड रख रही हूँ। Thank you.
जा रही हूँ जिम, तो अब मैं मिलूँगी जिम में। सब कुछ मैं रख ली हूँ। ओके से आ चुकी हूँ, मतलब अभी लिफ्ट में हूँ और अभी बज रहा है 8:25। तो मैं गई थी 6:10 पे और अभी 8:30 होने वाले हैं। अब मैं घर जा रही हूँ और अब घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो मिलते हैं डिनर के टाइम। ओके, तो यहाँ हमारा डिनर रेडी हो चुका है। डिनर में है राजमा की सब्जी और ये सुबह का चावल बचा हुआ था और मैं रोटी बनाई थी इस टाइम। और ये मैं कल ब्रेकफास्ट के लिए मैं भिगो दी हूँ साबूदाना। और ये सारी सब्जियाँ हैं जो मैं वॉश करके ड्राई होने के लिए रखती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम, मतलब सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके ऐसे ही सजा के रख देना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, डिनर में सैलेड भी है, तो बस यही है डिनर में। और हम बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है सैटरडे। तो अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अपने लिए। हस्बैंड को लंच दे दी हूँ, वो चले गए ऑफिस। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट और अभी बज चुके हैं 10। तो ठीक है, मैं दिखाती हूँ मैं आज क्या 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 बना रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। आज मैं बनाऊँगी ये साबूदाने का उपमा। तो इसके लिए मैं आलू नहीं काटी हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और पकाने में टाइम लगेगा, तो यही सारी चीज़ें मैं डालूँगी। और मैं बनाऊँगी चाय। तो बस अब इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, और इसके साथ अदरक डालनी चाहिए।
चुपके चुपके गाइस, तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी टीवी देखते देखते। बट वैसे टीवी आई थिंक नेटवर्क का इशू है आज, तो टीवी चल नहीं रही है। तो एनीवेज मैं अपना ब्रेकफास्ट ऐसे ही फिनिश करूँगी बिना टीवी के, और फिर मैं जो भी आज का टू डू लिस्ट है वो अपना स्टार्ट करूँगी। और मैं अपना व्लॉग आज यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज सैटरडे मॉर्निंग है और आई थिंक मतलब ठीक है मॉर्निंग तक का हो गया। और अब जो मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी वो मैं इवनिंग शूट करूँगी। तो जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो सैटरडे संडे का आएगा, कि मैंने मेरा क्या था रूटीन सैटरडे एंड संडे का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।